सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज बनाने वाले हैं हम आरसी कार जो सुपर फास्ट चलती है। तो दोस्तों, बनाएंगे हम कार्डबोर्ड की मदद से, जो दिखाने वाले हैं हम अभी आपको। तो चलते हैं बनाने की ओर। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमारे पास कार्डबोर्ड है जो हमने कटिंग कर लिया है इसका। जो देख पा रहे हैं आप लोग, कुछ इस प्रकार से हमें कटिंग कर लेना है, जो हमने कटिंग कर लिया है पहले से। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं आप लोग कुछ। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से दो पाइप ले लेना है और इनमें थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा छेद कर लेना है, जो नॉर्मल है। दोस्तों, इनको करना इधर मेल जो दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम हल्का सा ग्लू डाल देंगे। तो दोस्तों, ग्लू डालने के बाद इनको कुछ इस प्रकार से मेल्ट कर देना है ताकि घूमे ना। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से मेल्ट कर देना है। तो गाइस, अब इसके ऊपर से हमें डालना है ग्लू अच्छे से, ताकि ये मेल्ट हो जाए। जितना ज़्यादा ग्लू पड़ेगा उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा गाइस। तो गाइस, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से ग्लू डाल देना है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं ये हमारे चार पहिए जो आगे लगेंगे ये चारों। तो थोड़ा थोड़ा इनमें ग्लू डाल के मेल्ट करते हैं इन्हें, ताकि ये सही से वर्क करें। कुछ इस प्रकार से हम इन्हें मेल्ट करेंगे, देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, डालते हैं इसमें ग्लू और दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस, देख पा रहे हैं कुछ हमने इस प्रकार से पहिए को मेल्ट कर लिया है। अब बारी है दोस्तों इसकी स्टेयरिंग बनाने की। तो चलते हैं स्टेयरिंग बनाने की ओर। तो दोस्तों, जैसे आप देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, दोस्तों दोनों तरफ से इसको पहिए को हल्का सा होल्ड कर लेना है और एक वायर ले लेना है जो कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, ये थोड़ा हल्का सा टेढ़ी है और आपको सीधी लेना है ताकि ये सीधा है। तो देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से इसको अंदर डाल लेना है इसके, ताकि बराबर बैठ जाए। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से। और इधर ये हम हल्का सा एक पट्टी लगा दी है जो दिख पा रहे हैं आप लोगों को। तो कुछ इस पट्टी के अंदर ये रोक लेगा। तो दोस्तों, देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अब थोड़ा सा हल्का सा डालना है हमें ग्लू, जो देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से हल्का सा ग्लू डाल देना है, ताकि ये निकले ना पट्टी हमारी। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से हल्का सा ग्लू डाल देना है आपको। अब ये हमारी राइट हो गई। अब बारी इसकी स्टेयरिंग बनाने की। तो चलते हैं स्टेयरिंग बनाने की ओर। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से छोटा सा पाइप ले लेना है और इसके अंदर से डाल देना है, ताकि ये इतने से ज़्यादा ना मुड़े ये और इतने में ही रहे। तो दोस्तों, देते हैं इसको मोड़। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमें मोड़ दे देना है, ताकि ये कुछ इस प्रकार से रहे और ऐसे इस तरह स्टेयरिंग मोड़ दे। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से। अब इसको थोड़ा सा देते हैं एंगल में और देते हैं इसको भी मोड़। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से हमने इसको भी मोड़ दे दिया है। अब बारी है इसकी बनाने की। तो दोस्तों, इसको भी मोड़ देते हैं तुरंत फटाक से। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप कुछ इस प्रकार से हमने इसका स्टेयरिंग बना लिया है, जो देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार। जब मोटर रन करेगा तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार मूव करेगा ये, देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, बारी है अब इसके पीछे के बनाने का। तो चलते हैं इसका फ्रंट बनाने की ओर और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, लगाते हैं
पीछे का पहिया जो देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इसको भी करते हैं मेल्ट और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों डालते हैं इसके अंदर ग्लू और दिखाते हैं आपको, और इधर से डालेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से डालेंगे जो दिखने में भी थोड़ा स्पाइसी लगे और अच्छा भी लगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमें इधर से ग्लू लगा देना है अच्छे से, ताकि इसमें कुछ अच्छे से मेल्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा ग्लू हम लोग डाल रहे हैं। तो दोस्तों रखते हैं इसको इधर। ओए होए होए दोस्तों दुख। तो दोस्तों देख ही पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से मेल्ट कर देना है कि ये इधर उधर ज़्यादा ना हो, और ऊपर से इसके डाल देना है ग्लू ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, निकले ना। तो दोस्तों इसको चारों तरफ से ग्लू से भर देना है ताकि ये निकल के भागे ना। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से ग्लू को भर देना है, जो देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार ये रन करने के लिए गाइस रेडी है। तो दोस्तों देख ही पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से हम इसमें अभी थोड़ा सा सूखने देते हैं, और इसमें कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप लोग हमारा स्ट्रक्चर बनके रेडी हो रहा है। तो दोस्तों इसमें इधर लगाएंगे एक मोटर जो अभी रन करेगा, जो देख पा रहे हैं कुछ ये हमारा डीसी मोटर। तो दोस्तों निकालते हैं एक रबड़ जो देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये हमारी बहुत सारी रबड़ें जो देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों एक रबड़ हमें चाहिए जो ये हमें काम करेगी। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, और बाकी को पैक करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमें इधर ग्लू डाल देना है, और दोस्तों अच्छे से इसको मेल्ट कर देना है ताकि इसमें पकड़ ले ले। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से इसे दाब के मेल्ट कर देना है। तो गाइस देख ही पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से, और इसमें ग्लू भर देना है इसको, और इधर से भी ग्लू डाल देना है। अब लगाते हैं दोस्तों रबड़ बैंड, जो ये है हमारे पास रबड़ बैंड जो देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से। तो देख ही पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार रबड़ बैंड को फिट कर देना है। अब देख लेना है एक बार टेस्टिंग करके कि कैसा वर्क कर रहा है ये। तो दोस्तों करते हैं एक बार टेस्टिंग और दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये हमारा सेल का स्टोर, जो देख पा रहे हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको अभी करेंगे चेक, जो देख पा रहे हैं कितना अच्छे से वर्क कर रहा है ये। दोस्तों थोड़ा सा इसको करते हैं चेक और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग कुछ ये कितना अच्छे से वर्क कर रहा है ये। तो देख पा रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा फिर से एक बार चेक करते हैं इसको। तो दोस्तों देख ही पा रहे हैं कितना अच्छे से वर्क कर रहा है ये हो गया गाइस पीछे का रन, और इसी से प्लस माइनस चेंज कर देंगे तो ये दोस्तों आगे का रन करेगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कितना अच्छे से वर्क कर रहा है ये, फिर से एक बार चेक करके दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ये देख लें कितना अच्छे से वर्क कर रहा है ये। अब दोस्तों देखते हैं इसका रिमोट। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसमें ग्लू डाल के थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा लगा दिया है कार्डबोर्ड,
जो देख पा रहे हैं आप लोग, कुछ इस प्रकार से गाइस वर्क करेगी ये, जो आपको दिखने में अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि सब्सक्राइब करने में गाइस कुछ भी नहीं लगता आप लोगों को, और दोस्तों हमें ऐसे गैजेट बनाने में बहुत खर्च आ जाता है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आप लोग दोस्तों, जो माँ और पापा की कसम देते हैं, मम्मी पापा की, उन्हें लोग सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, और हमें गाइस किसी ने अभी तक कोई भी कसम नहीं दिया, तो दोस्तों किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया करो। तो दोस्तों अब बनाते हैं इसका बैटरी बैकअप और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ ये हमारा पीसी आरसी व्यू, तो दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ ये रिमोट कंट्रोल हमारा एंटीना लगा दिया है, जो देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, जो पीछे और आगे करेगा ये रिमोट कंट्रोल से। तो दोस्तों ये हमारी बैटरी जो देख पा रहे हैं आप लोग, और ये पूरा सिस्टम, और ये स्टेयरिंग नई लगा दिया है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग। और दोस्तों बारी है टेस्टिंग की, तो करते हैं इसको टेस्ट और देखते हैं दोस्तों। देख पा रहे हैं ये है गाइस रिमोट इसका, जो देख पा रहे हैं आप लोग, देखना अभी ये देख पा रहे हैं कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई फेंक नहीं गाइस, देख पा रहे हैं आप लोग एकदम बिल्कुल रियल है। तो दोस्तों गाइस देख पा रहे हैं आप लोग, दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।